अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरी जेठानी के घर। मेरी सिस्टर लोग थोड़े दिन ही हैं, एक दो दिन में वापस चले जाएंगे, तो वो बोल रहे थे कि सब घरों में हों आए। तो अभी हम सब माशाल्लाह से रिश्तेदार हैं, तो लाजमी फिर जाना पड़ता है। और अभी ये लोग मेरी जेठानी के घर जा रहे हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं एक ही गाड़ी में। इतने बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो इतने मुश्किल से बैठे हुए थे हम लोग। और मेरे हस्बैंड जो है बाइक पे आए थे बाद में, अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। अजलान देखे कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। आज ये इसकी नानों ने ना छोटी ईद पे सिलाई करके दिया था ये वाइट वाला सूट, और तब मैंने इसे नहीं पहनाया था और मैंने कोई और पहना दिया था। अभी मैंने सोचा था ये बड़ी ईद पे पहनाऊँगी इसे, और बाद में फिर मैंने पहना दिया इसे अभी, क्योंकि गर्मी काफ़ी है इसके जिसम पे गर्मी दाने निकले हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बच्चे देखे कितना रश किया हुआ है यहाँ पर। और अजलान आते ही रोना शुरू हो गया था, तो यहाँ मैंने उसको फीडर दे दिया यहाँ पर, और ये लेट लेट के ना फीडर पी रहा है। आज मैंने इसे सैंडल भी पहनाए थे, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और ये ज़ोरेज़ है मेरी सिस्टर का बेटा, और ये फविया है, और रेड कपड़ों वाली। और बस अचानक से प्रोग्राम बना के हम लोग चले जाते हैं। तो अभी हम 4 के 4:30 का टाइम था, तो हम लोग घर से निकले, 4 बजे का टाइम था शायद। और अभी हम लोग आ गए, और तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे वो, और सब बच्चे जो है कैटों के साथ लग गए। इनकी कैट रखी हुई इन्होंने, तो आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि ये कैट मेरे व्लॉग में है। और ये मेरी जेठानी के घर है, बहुत ही प्यारी है, इतनी क्यूट सी है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इतनी क्यूट सी है। और ये हिलती नहीं है, एक ही जगह पे बैठी रहती है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे बैठ जाती है, फ़ौरन ही साथ ही बैठ जाती है। और यहाँ पर एसी लगा हुआ था, कमरा ठंडा है, और ये नीचे लेटी हुई है। और ये मेरी सिस्टर का बेटा है, इसको छेड़ रहा है बार बार जाके, इसको पकड़ रहा है, इसके बाल जो है ना निकल रहे हैं। और हम बच्चों को दूर ही कर रहे थे कि, और छोटे बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं है कि अभी हमने पकड़ना इसको के नहीं। वैसे तो साफ़ है माशाल्लाह से, ये रोज़ नहलाते हैं इसे। और बस हम बच्चों को वैसे ही दूर रख रहे थे। और यहाँ पर अजलान और ज़ोरेज़ दोनों खेल रहे हैं। अजलान को आज मैंने सैंडल पहनाए हुए हैं, तो इतनी मुश्किल से ये चल रहा है यहाँ पर, इससे चला नहीं जा रहा था फिर भी। ये मेरी सिस्टर का बेटा है, ये बड़ा बेटा है उसका। और मैंने बोला आओ आपकी भी वीडियो बनाऊं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मैं इनको बोलती हूँ ना कि आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ। और मेरी सिस्टर ने बोला कि आप भी हमारे साथ चलें, आप हम लोग मिलके आते हैं सब भी। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर अचानक से प्रोग्राम जैसे बना था, फ़ौरन हम लोग रेडी हो गए। और भाभी ने बोला कि मैं ऐसे जाने नहीं दूँगी, आप लोगों ने खाना लाजमी खा के जाना है। तो भाभी ने ऐसी स्पीड मारी कि इतनी जल्दी में इन्होंने खाना बना लिया, और हमें पता भी नहीं चलने दिया। और एक घंटे में इन्होंने माशाल्लाह से खाना ऐसे बना लिया था, माशाल्लाह से इतनी स्पीड है इनकी, अल्लाह नज़रें बस से बचाए। और इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना लिया था इन्होंने, ये ऊपर मर्दों के लिए लगा लिया था इन्होंने दस्तरखान, और नीचे जो है ना बच्चों के लिए, और जो मतलब बच जाएंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। मेहमान हम लोग इतने ज़्यादा तो नहीं थे, वैसे थोड़े बहुत ही थे, तो इन्होंने 2 जगह पे दस्तरखान लगा दिए थे ताकि आराम से बच्चे ना तंग नहीं करें बड़ों को, तो आराम से खा लें। तो मैं बच्चों के साथ नीचे ही बैठ गई थी, तो मैंने इनको सबको डाल के दिया, मेरे सिस्टर के बच्चों को भी। मैंने उसे बोला आप बेड पर बैठ जाओ, तो मैं नीचे बैठ जाऊँगी, सबको डाल के दे दूँगी। और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर काफ़ी टाइम में अपनी देवरानी के घर गई, जेठानी के घर गई, और भी साथ साथ रहते हैं ना, और हमारे घर से थोड़ा सा दूरी है। और उसके बाद फिर वहाँ चाय वगैरह पी, जैसे ही घर आ गए। और फिर मैंने आते ही ये मैंगो का जूस बना लिया था, ये दिल कर रहा था काफ़ी, तो मैंने बना लिया। और आज मेरी आवाज़ काफ़ी बैठी हुई है। और बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी बड़े व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।